చేశాను. उधोयाह सुधस संदेश कही दिजो ये का उधोयाह उधो जी श्याम सुंदर से एक ही संदेश कह दीजिएगा, बहुत बात मत कहिएगा, एक ही कह दीजिएगा को क्या है कि गोपियां जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हाँ हम कुछ भी नहीं जानती हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं, हमें कोई विवेक नहीं है क्योंकि हम ब्रज की गोपी हैं. बारी माने स्त्री, ब्रज बारी. हम ब्रजवासिनी जंगल में पहाड़ में गाय चराने वाली दूध दही मचने वाली गोपियां हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं. कह रत न कर सिमरावरी तो दया कह रत न क्षमता कहाँ लाया अपराध की हमारी है ये पत्र है. इस पत्र में लिखी थी गोपियां, उसी को पढ़ रही हैं. रत्नाकर जी के शब्दों में श्री गोपियां कहती हैं, असीम रावरी तो क्षमा, हे श्याम सुंदर आप में क्षमा असीम है और हम में क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है. हमने अपराध किया है लेकिन हमारे अपराध की क्या क्षमता है. आप जितनी क्षमा कर सकते हैं उतना हम अपराध नहीं कर पा सकते. तो आपके क्षमा आपकी आप क्षमा का क्षमा आपकी आपकी क्षमा असीम है और हमारा जो अपराध है तो क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है. हमारी अपराध की क्या क्षमता है, कितना अपराध करेंगे. आप तो क्षमा के समुद्र हैं. दीजय और ताडन सब जो मन भावे पर हे प्रियतम हे श्याम सुंदर जो भी ताड़न करना हो दंड देना हो हमें आप दीजिए हम लोगों को. पर कीजय न दरस रस वंचित बिचारी. हम बिचारी हैं, दरस दर्शन के रस से वंचित मत रखिए. हमको दर्शन जरूर दीजिए और जो भी दंड देना हो दीजिए. भली है बुरी है असल जनिरल जहूं हम भली हैं या बुरी हैं, हम सलज हैं या निर्लज पर हैं आपकी दासी. बस इतना ही श्याम सुंदर से कहिएगा. भली हैं बुरी हैं असलज निरलज हैं. जो कहे सो हैं पै परिचारी का तुम्हारी है. हम भली हैं अच्छी हैं या बुरी हैं, बिना लाज के हैं या लाज सहित हैं, जो कुछ भी आप सोचिए. पर हम आपकी दासी हैं परिचारिका, अतः
आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, आप में क्षमा करने की जितनी शक्ति है उतना अपराध करने की हमें शक्ति नहीं है, इसका अर्थ है कि आप क्षमा समुद्र हैं। यही भाव है गोपियों का, हम आपकी दासी हैं। इस तरह से उद्धव जी को विदा दे रही हैं। नंद बाबा और सबको उद्धव जी के पास आए, रथ के पास, आंखों में आंसू भर करके वे कहे, उद्धव कृष्ण से बिछोह हो गया लेकिन फिर भी हमारे मन की वृत्तियां, मन सह वृत्त, हम मन से केवल कृष्ण के चरण कमलों को सोचते रहे। मनसो वृत्तयो न सिंह कृष्ण पादाम बुजाश्रय, कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करे हमारा मन, और वाचो विधाय निर्नाम नाम, हमारी वाणी हमेशा उनके नाम का कीर्तन करे, और काय तत्प्रह्वणा देशु, हमारा शरीर कृष्ण की सेवा में लगा रहे। कर्म भीर भ्राम्य माणा नाम, हम अपने कर्म के अनुसार चाहे जहाँ भी जन्म ले, जिस जोनि में भी जन्म ले, क्वापि ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा से जहाँ भी जन्म ले, मंगलाचरित्र दाने, और हमने जो भी मंगलाचरण किया है, सदाचार का पालन किया है, दान दिया है, इन सब के प्रभाव से रति न कृष्ण ईश्वर, कृष्ण में हमारी हमारा प्रेम रहे, प्रीति रहे, कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही पूज्य है, रतिर न कृष्ण ईश्वर है। एवं सभाजितो गोपै, इस प्रकार गोपों के द्वारा उद्धव जी का सत्कार हुआ, कृष्ण भक्ति के द्वारा ब्रज में कृष्ण की भक्ति का उद्रेक देखा उद्धव जी ने, तो यही उद्धव जी का बहुत बड़ा सत्कार था। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी संबोधन करें, नराधिप, नरों के पालन करने वाले अधिप, उद्धव पुनरागच्छन मथुरा कृष्ण पालितान, उद्धव जी फिर आए मथुरा में, जिसका पालन करते थे कृष्ण, कृष्ण जहाँ के ईश्वर स्वामी थे, राजा थे, इसके विषय में ही रत्नाकर जी एक पद लिखते हैं। उद्धव जी किस तरह मथुरा जा रहे हैं, इतने भाव में विह्वल हैं, विशेष करके गोपियों का प्रेम देखकर, गोपी गोपी ग्वाल नंद जसुदासो तो विदा हुए, नंद गोपी ग्वाल नंद जसुदासों विदा विदा हुए। जब नंद जसोदा गोप गोपी आदि से विदा होकर के उद्धव जी चले, तो उनके पैर उठते नहीं थे, पैर लड़खड़ा रहे थे रथ पर चढ़ने से पहले, रथ पर चढ़ भी गए, कहे रत्नाकर संहारी सारथी पर निठी, दिठी दिठिनी बचाई, चलो चलो चोर जो भगत, तो सारथी से अपने दृष्टि बचा ली, इन लौटने लगे ब्रज में धूल में, तो सारथी न देखे, मथुरा जा करके वो ये न कहे कि ये सब लौट रहे थे, कुंजनी की, कुल की, कालिंदी की रुएसी दशा देख देखी आंसू है वो सास वहां, कुंजों को सोना देख रहे थे, कालिंदी को बिल्कुल फीका देख रहे थे उद्धव जी,
सबकी रोने की दशा थी कि देख 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 करके उनके आंसुओं में आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। रथते उतरी पथ पावन जहाँ से जहाँ ही तहाँ बिकल बिसुरी धुरी लौटने लगत। रथ से उतर उतर करके और ब्रजरज में भी लौटने लगते थे। वे मथुरा पहुँचे तो नंद बाबा ने जो उपहार दिया था और गोपों ने दिया था अलग अलग दिए थे, ये श्री कृष्ण को दे देना, ये श्री बलराम जी को देना, ये उग्रसेन जी को देना, ये अक्रूर जी को देना, जो भी भगवान के पार्षद थे सबके लिए वो लोग उपहार दिए थे। तो उद्धव जी पहुँचे और कृष्णाय प्रणिपत्याह कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और भक्ति द्रेकम ब्रजों के साम, और ब्रजवासियों में कितनी भक्ति है, कृष्ण से कितना प्रेम है उन्होंने कहा। उपायन किसको दिया, भेंट किस किस को दिया, कृष्णाय कृष्ण को दिया, वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपाय नान्यदात, वसुदेव जी को, बलराम जी को और महाराज उग्रसेन जी को। उपायनानी अददात अदात उपायन दिया। उस समय उद्धव जी की दशा देख करके भगवान क्या सोचते हैं, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बलबीर है अधीर लपटाए लेत। जब ब्रजरज से धूसरित देह देखा उद्धव जी का भगवान ने तो दौड़ करके अखबार भर लिए उद्धव जी का। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, प्रेम में मदमत थे, थर कति बाह थामी थहरी थिराए लेत। उनके कांपते हुए शरीर को जो प्रेम से कांप रहे थे भगवान कृष्ण संभाल रहे थे पकड़कर। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलक कनी चाही पल कनी पुलकाए लेत। अभी अभी कीर्ति कुमारी का जो उन्होंने भाव देखा था राधा रानी का, अभी अभी दर्शन करके आए थे, राधा रानी का स्मरण करके इनके आँखों में आंसू उमड़े हुए थे, सारा शरीर पुलकित था। परनन देत एक बुंद पुहमी की कोख, पूछ पूछ पट निज नयने नहीं लगाए गए थे। भगवान श्री कृष्ण उनके आँख से एक भी आंसू धरती पर नहीं गिरने देते थे, अपने पीताम्बर से पोंछ पोंछ करके अपने नयन में लगा रहे थे, अपने नेत्र में उद्धव जी के आंसू को पोंछ कर अपने नेत्र में लगाते थे, ये प्रेम के आंसू थे। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, ब्रज रज रंजित भाई बल बीर भय अधीर लपटायले, बलबीर वीर माने भाई, बल के वीर बलराम जी के भाई श्री कृष्ण दौड़ करके उद्धव जी को अधीर होकर के लपटाए लेत, आलिंगन किए। कह रतन कर सुप्रेम मद माते हेरी, कह रतन कर सु थर कति बाह थामी थहरी थिराए ले, थर कति बाह कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, कीरति कुमारी के छलकनी चाही पलकनी पुलकाएले, परनन देत एक बूंद पुहुमी की कोची, जो
पोछे पोछे पटनी जननी लगाए ले पोछे पोछे तो उद्धव जी अब रो रो करके ब्रजवासियों का समाचार सुनाए भगवान से, वे माने नहीं, यद्यपि गोपियों ने मना किया था, लेकिन ये सब सुनाए कि ऐसे दुख में हैं, ये हैं वो हैं, आप अभी चलिए ब्रज में, मथुरा में कोई आपका प्रेमी नहीं है, यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, आपके असली प्रेमी ब्रज में हैं, राधा रानी और सब गोपियाँ हैं, नंद बाबा हैं, जसोदा हैं, यहाँ यहाँ मत रहिए। और इसके बाद अपना निर्णय सुनाते हैं कि आपको सूचना देनी थी इसलिए मैं आ गया, नहीं तो मैं निर्णय कर चुका हूँ। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, छावते हमारी तो यही इच्छा है कि जमुना के तीर पर कोई रम्य कुटीर बना करके वहीं रह जाऊं। गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, और रमण रेति से जो जहाँ पर ठीक कृष्ण बलराम मंदिर है उसको रमण रेति कहते हैं, और एक रमण रेति दूसरा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बचपन में रमण किए थे बालू में, और यह जो रमण रेती है रास लीला का स्थान है जिस रेती में उन्होंने रास किया था। तो उसे गौन रौन रेती सो रमण रेती से गमन यहाँ आना कदापि करते नहीं, कभी नहीं कर सकता। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, मैं अपने कान में और मन में ब्रज के प्रेम की गाथा छोड़ करके ये मथुरा में पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं सुनता, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ और ये सब रात दिन इस पर चढ़ाई करना, उसको हराना है जितना, इस रस को मैं नहीं भरता। गोपी ग्वाल बालन के उमड़ तनासु देखे लेखी प्रलयागम हूँ नहीं डरते नहीं। आप गोपी और ग्वाल बालों को वियोग में छोड़ दिया, उनके आंखों से इतना आंसू उमड़ रहा है, इतना आंसू कि मैं उस आंसू को देख करके प्रलयकालीन जल से भी नहीं डर सकता। लेखी प्रलयागम हूँ नायक डरते नहीं, इतना आंसू निकल रहा है कि उतना भयावह प्रलयकालीन जल नहीं होगा, ये प्रलयकाल में सारा ब्रह्मांड डूब जाता है। उसके लिए उद्धव जी कह रहे हैं कि इतना आंसू निकल रहा है गोप गोपियों के आँखों से कि उसको देख करके प्रलय से भी नहीं डरता। और हो तो चित चाव जौन रावरे चितावनों को, यदि आपको कुछ बताना नहीं होता तो तजी ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं, मैं नंद गांव छोड़ करके बरसाना छोड़ करके इधर एक पैर भी नहीं रखता इस मथुरा में, मैं आया हूँ केवल बताने के लिए, और आप चलिए मथुरा से, मथुरा में आपका कोई प्रेमी नहीं है, आपके वास्तविक सच्चे प्रेमी ब्रज में है। देखिए उद्धव जी गए थे कि उनको हम समझा देंगे, तब तक यही समझ कर आ गए। तो कहते हैं कि हम नहीं आते, हो तो चित चाव जौन रावरे चितावन को, आपको बताने का चाव नहीं होता तो तजी ब्रजगांव इत पाँव धरते नहीं, ब्रजगांव छोड़ करके इधर पैर नहीं रखता, ये प्रभाव पड़ा उद्धव जी पर। तो उद्धव जी के आचरण से श्री गोपीजनों का नंद बाबा जसोदा का प्रेम प्रकट हो रहा है, इन्होंने देखा है संसार का सबसे बड़ा विद्वान, देवलोक में भी इतना पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं था, बृहस्पति जी ने डायरेक्ट पढ़ाया था इनको, और उसके बाद ये भगवान के साथ रहते थे, भगवान के सखा थे, मंत्री थे, दैत सखा, प्रिय सखा थे,
भगवान ने भेजा था यही सोच करके कि जाएगा वहाँ गोपियों के भाव को देखेगा, तो उस प्रेम की शिक्षा लेगा, इसका जीवन धन्य होगा। तो उद्धव जी पर यही प्रभाव पड़ा। तो ये है गोपीजनों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण में, और उनके उद्गार हम लोग सुने। सबसे पहले ये मूल ग्रंथ संस्कृत में है, और उसी के आधार पर अनेक भक्त कवियों ने ब्रजभाषा में, बंगला में या और भारत की अनेक भाषाओं में, लोक भाषा में इसको लिखा है, व्यक्त किया। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ गोपियों के इस विरह गीत को न गाया जाता हो अपनी भाषा में। एक बार गुजरात में सूरत में कीर्तन हो रहा था, कीर्तन दल 20-25 लोग बैठे थे, इतना सुंदर गा रहे थे इस लीला को, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भी हम लोगों ने अपनी भाषा में इसका थोड़ा अनुवाद किया। भक्त लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसको समझते हैं, और इसको सुनने से पढ़ने से निश्चित भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्रों में श्रवण कीर्तन की बड़ी महिमा है, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। इसमें इतने भक्त आए आसपास से या दूर से, सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान के साथ उनका समय बीता। कथा सुनना मतलब भगवान का संग करना, दोनों एक ही है। तो ये भगवान का डायरेक्ट संग है, इससे मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, बहुत पवित्र बातें हैं यह, केवल सुनने मात्र से। और कीर्तन होता है, कई प्रकार के भक्त जुटते हैं एक भावना लेकर के, कृष्ण से प्रेम करना है। ये मीटिंग जो है इस उद्देश्य के लिए है कि श्री कृष्ण से प्रेम करना है, और भक्त लोग इसी भाव से आते हैं, सबके समवेत भाव का असर होता है, एक वातावरण बनता है। इसलिए कोई अनजान व्यक्ति भी आता है ऐसे आयोजनों में, तो उसका चित्त भी भगवान में लग जाता है अपने आप, देख करके, देखने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए ऐसे आयोजनों में जाना चाहिए जितना समय मिले। इस बार तो दमरी नहीं हो पाया है, धान सब खेत खलिहान में पड़े हैं, तो इसीलिए कम लोग आए, बहुत नहीं आ पाए, काम धंधा में फंसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गृह का रज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, घर के काम आदि ये क्या हैं, इस सरोवर के पास आने में भारी भारी पहाड़ खोह जंगल हैं। अब आदमी जा ही नहीं पाता, कहीं जाना हो तो ते अति दुर्गम शैल विशाला पड़ जाए तो कौन चढ़ेगा, कौन जाएगा। घर के काम धंधा, जो कुछ भी सांसारिक काम है, ये भारी भारी पर्वत है, घाटी है, नदी है, नाला है, पर्वत का चट्टान है, पर फिर भी इसको लांघ करके कुछ भक्त आए हैं तो बहुत सराहना के योग्य हैं। भारी भारी पहाड़ लांघ करके आए, सबको काम है वास्तव में, एक दिन की फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और वे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के भक्तों ने आयोजन किया, जो भी किया अपनी शक्ति के अनुसार, वो भी सराहनीय है। भगवान इनकी मति ऐसे कार्यों के लिए हमेशा लगाए रखें। और हमारी कथा में जो भी त्रुटि हुई उसके लिए आप क्षमा करेंगे। मैं कठोर बोलता रहता हूँ भगवान की कथा में भी, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं बोलूँ, लेकिन कभी कभी अज्ञान बस शब्द निकल जाता है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण जय।